आप YouTube से भी क्लासेस डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सेल के रेफरेंसेस फॉर्मूले की कैटेगरी को। हालांकि इससे पहले हमने लुकअप और इसमें क्या बोलते हैं डेट एंड टाइम की कैलकुलेशन के बारे में सीखा था, फिर हमने डेट एंड टाइम के ऊपर टेस्ट भी आपको दिया था। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेफरेंसेस फॉर्मूला, क्योंकि आप लोगों ने वी लुकअप की जो प्री रिकॉर्डेड वीडियो दिया था उसको कंप्लीट नहीं किया है, तो एक बार वो कंप्लीट कर ले फिर हम लुकअप मेथड के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेफरेंसेस कैटेगरी के आने वाले फॉर्मूला में। ये आपका एड्रेस का फॉर्मूला है। चलिए हम एड्रेस के फॉर्मूले को एक बार डिस्कस करते हैं। एड्रेस का फॉर्मूला क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आपको रो नंबर दिया गया 5 एंड कॉलम नंबर दिया गया 6, मतलब कि छठे नंबर रो एंड पांचवे नंबर कॉलम का एड्रेस क्या होगा। इस एड्रेस को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है एड्रेस फॉर्मूला कि 5 एंड 6, तो आपका F5, मतलब कि इस रिजल्ट को कैरी किया इसने। तो इसका एड्रेस बताया ना कि इसकी वैल्यू देना है बताया। तो लेकिन मुझे इसकी रिजल्ट चाहिए, मतलब इसका वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए इस एड्रेस को कि ए फाइव जो है ए फाइव एबीसीडी है, इसको यहां पे हम इसको इनडायरेक्ट फॉर्मूले को लगाएंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे तो इसको कन्वर्ट कर देगा। लेकिन इसका इस तरह से समझाना सही नहीं रहेगा, इसको एक एग्जांपल में हम आपको समझाएंगे तो आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए हम आपको इसको एग्जांपल में समझाते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ नाम वगैरह दे देते हैं यहाँ पे। हाँ और फिर यहाँ पे मैं ran between फॉर्मूले की मदद से कॉपी करता हूं और इस पे पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है कि यहां पे मुझे नेम देना है और यहाँ क्वार्टर देना है कि मुझे क्वार्टर वन का टोटल। मैं चाहता हूं कि जैसे कि पूजा का क्वार्टर वन का टोटल आना चाहिए या क्वार्टर टू का टोटल आना चाहिए, बट डेटा हमारा मंथली है लेकिन मुझे जो चाहिए क्वार्टर टू का रिकॉर्ड चाहिए। सॉरी सर, तो कैसे होगा सर? तो यहां पे मैं मैच का फॉर्मूला लगाऊंगा कि मैच इसको सिलेक्ट करूंगा और मैं यहां से, अब मैच फॉर्मूला क्या करता है, मैच फॉर्मूला समझिए कि किसी भी सेल वैल्यू को किसी एक रो में या कॉलम में सर्च करता है और सर्च करने के बाद वो बताता है कि उसका रो इंडेक्स नंबर क्या है। जिसने बताया कि पूजा जो है दूसरे नंबर रो पे है और फिर यहाँ पे हम एक हमारे पास एक चूज का फॉर्मूला, क्योंकि मुझे यहाँ पे वन लिखूं तो यहाँ पे जैन आना चाहिए, अगर मैं टू लिखूं तो यहाँ पे आना चाहिए अप्रैल। तो इसके लिए मैं इफ फॉर्मूला लगा सकता हूं लेकिन इफ फॉर्मूला लेंदी होगा और हमारा जो इंडेक्स है मतलब जो इनपुट है वो इंडेक्स नंबर है, मतलब कि सीक्वेंस में 1 2 3 है। तो यहाँ पे चूज फॉर्मूला हमारा सिंपलाइजेशन होगा, सिंपल होगा कि मैं यहाँ पे लगाऊंगा फॉर्मूला चूज का, चूज चूज में हम इस टू को सिलेक्ट करेंगे
और यहाँ पे जैन कॉमा यहाँ पे अप्रैल कॉमा अप्रैल के बाद कौन सा होता है जुलाई और लास्ट हमारा होता है अक्टूबर। ये हर वीक हर क्वार्टर का स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में यहां से निकाल लिया। तो मैं यहां पे एक और मैच लगाऊंगा, मैं यहां पे एक और मैच लगाऊंगा तो मैच जैसे कि बताया कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों चलता है। तो मैच ने बता दिया कि इसका कॉलम नंबर क्या है 5। अब मैं यहां पे फॉर्मूला लगाऊंगा एड्रेस का, तो 2 नंबर रो और 5 नंबर कॉलम, तो E2 आ गया, मतलब कि मेरा डेटा E2 से स्टार्ट है। लेकिन एंड के लिए क्या करेंगे, वापस एड्रेस लगाएंगे, रो नंबर सेम होगा, कॉलम नंबर 5 में मैं +2 कर दूंगा तो हो जाएगा हमारा 7, मतलब कि मेरा डेटा E2 से लेके G2 तक है, सॉरी E2 से लेके हमारा G2 तक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये तो अलग अलग है, लेकिन जब हम कोई फॉर्मूला लगाते हैं, सम का फॉर्मूला लगाते हैं, तो सम के फॉर्मूले में कुछ इस तरह से होता है। तो मुझे इस तरह का रेफरेंस बनाना है, तो मैं इन दोनों को कॉनकेटेनेट कर लूंगा और कॉनकेटेनेट करने के बाद इनके सेपरेशन कॉलन लगा के मैं यहाँ पे कर लूंगा। तो मेरा यहाँ पे सब पता चल गया कि अब मैं नाम चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पे नाम करता हूँ मोनी, तो मुझे यहाँ पे मोनी का एड्रेस दी जाएगा कि E5 से G5, अप्रैल की जगह पे मैं Q3 कर दूंगा तो मुझे H5 से J5 आ जाएगा। लेकिन मुझे यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे F5 निकाल लिया, तो मुझे F5 का मुझे वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हमने इसको इनडायरेक्ट में रखा था। तो उसी तरीके से मैं मुझे इसका सम चाहिए, तो मैं इक्वल सम और इसको इनडायरेक्ट में रखूंगा, तो ये रिजल्ट हमारा शो कर जाएगा। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब इसके लिए बहुत सारे हमने किया है, इसको आप मर्ज कर सकते हैं एक सेल में। तो चलिए मर्ज करने का भी तरीका एक बार बता देता हूं आपको। ये आपका मर्ज रो है, तो मैंने रो को सिलेक्ट किया, क्या है आपका A16, तो फॉर्मूला में जहां जहां भी A16 है वहां वहां पेस्ट कर दीजिए, जहां जहां भी A16 का यूज है वहां पे आप पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद ये आपका है C15, अब फॉर्मूला में जहां जहां भी C15 का जिक्र है वहां वहां आप पेस्ट कर दें, यहां भी C15 है तो हमने C15 को जिक्र कर लिया। अब इसको कॉपी, अब ये दो इन दोनों को डिलीट करने से कोई फॉर्मूला का फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं इसको कॉपी करता हूं और कॉपी करने के बाद यहां C16 के जगह पे उसका फॉर्मूला पेस्ट कर देता हूं, और सेम यहां आपका D16 को कॉपी करता हूं और D16 के जगह पे इसका फॉर्मूला पेस्ट कर देता हूं, और उसके बाद फिर पूरे कॉपी करता हूं और फिर मैं यहां जहां आपका E16 है उसके जगह पे इसका फॉर्मूला पेस्ट कर देता हूं। अब मैं इसको कट करके कहीं भी रखूंगा, कहीं भी ले जाऊंगा, आपका फॉर्मूला वर्क करेगा। तो इस एग्जांपल में आपने कई सारे फॉर्मूले सीखे। सबसे पहले तो आपने सीखा मैच का फॉर्मूला, फिर दूसरा आपने सीखा चूज का फॉर्मूला और एड्रेस का फॉर्मूला और साथ में इनडायरेक्ट का फॉर्मूला। मुझे आशा है कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए छोटे मोटे फॉर्मूले उसके बारे में जिक्र कर लें, जैसे कि रो का फॉर्मूला है। तो रो फॉर्मूला जिस सेल में आप लगाओगे उसका रो नंबर देगा, जैसे मैंने 1 लगाया तो 1 आएगा, अगर मैं यहां लगाऊं तो मुझे इस सेल का मतलब कि 8 जो है 8 का रो नंबर देगा, अगर इसके अंदर में किसी तरह का इनपुट नहीं डालता हूं तो।
अगर मान लीजिए जिस सेल का मैं इनपुट डालूंगा उस सेल का रो नंबर यहाँ दिखाएगा आपको। अब इसका यूज तो ऐसे एरे फॉर्मूला में बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे हम एरे फॉर्मूला अभी फिलहाल नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए हमने सिक्वेंसली कर लिया। अब जैसे मान लीजिए कि जनरल में अगर रो से नहीं, मैं मैनुअली यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे अगर मैं बीच में कोई सेल डिलीट कर देता हूं तो सीक्वेंस यहाँ बिगड़ जाता है। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे सीक्वेंस ना बिगड़े, तो मैं वापस यहाँ पे रो का फॉर्मूला लगाता हूं एंड इसको नीचे ड्रैग करता हूं। अब यहां पे आप देखेंगे तो ये रो का फॉर्मूला क्या करता है, सीक्वेंस को ब्रेक नहीं होने देता है। यही नहीं, अब आप एक में एक प्रॉब्लम यहां भी है कि मान लीजिए मैं सीरियल नंबर यहां से लगा रहा हूं और मैं यहां पे रो नंबर का फॉर्मर लगाऊंगा तो क्या होगा, यहां पे रो का फॉर्मर लगा रहे 6 से स्टार्ट हुआ बट यहां पे तो हमें चाहिए 1, तो हम इसमें यहां पे आएंगे और -1 कर देंगे, -5 कर देंगे, माफ कीजिए। और यहां पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसमें और भी बहुत सारी यूज है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई डेटा है आपके पास, अब मुझे उस पर्टिकुलर डेटा, इस डेटा है आपके, मुझे इसमें से हर तीसरे को फिल्टर करना है, तो उस केस में भी हम इस रो का इस्तेमाल कर सकते हैं कि रो इसमें से मैं -1 कर देता हूं, तीसरे को करना है इसलिए, तो ये क्या करेगा कि सिक्वेंस नंबर दे देगा। फिर हमारे पास एक मोड का फॉर्मूला होता है जो कि सेस फॉर रिमाइंडर निकालता है, तो मैं 3 से डिवाइड करता हूं नंबर को और जहां सेस फॉर निकलेगा वहां पे 0 हो जाएगा, मतलब जहां पे 3 से वो मल्टीप्लाई होगा वहां पे आपका वो 0 आ जाएगा, जहां 3 से मल्टीप्लाई नहीं होगा वहां पे वो 0 नहीं आए नंबर को, इसका सेस फॉर रिमाइंडर आएगा। फिर आप फिल्टर लगा के इसको 0 वाले को फिल्टर आसानी से कर सकते हैं। इसमें और भी बहुत सारे काम है, उसी तरह से रो है तो उसी तरह से हमारे पास कॉलन का फॉर्मूला है। कॉलम फॉर्मूला क्या करता है, कॉलम नंबर शो करता है। अगर मैं कॉलन के अंदर में कोई चीज कोई नंबर देता हूं तो उसका कॉलम नंबर शो करता है। इसका यूज हम लोग वीवीए वगैरह में, इसमें एरे फॉर्मूला में, वीलुकअप वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है आपका कॉलम्स का फॉर्मूला, कॉलम्स का फॉर्मूला यस लगा हुआ है, तो अगर हमने इसको सेलेक्ट कर लिया तो इसमें बताएगा कि कितने कॉलम्स हमने सेलेक्ट किए हुए हैं। अगर हम रो की बात करें तो इसमें आपको बताएगा कि आपने कितना रोज को सेलेक्ट किया हुआ है। इसका यूज भी हम एरे में आगे आपको बताएंगे, फिलहाल इसको इतना ही आप समझिए।
ठीक है सर। तो रक्षित जी भी ऑफिस में बैठे हैं, उन भी अपनी डाउट नहीं पूछ पा रहे हैं, और बिक्की जायसवाल जी भी का भी तबीयत खराब है। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं। आप लोगों को जो मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग भेजे थे यूट्यूब रिकॉर्डिंग मिला था वी, उसको और आप देख ले, उसके बाद हम वी लुकअप करेंगे तो आपको अच्छा खासा समझ में आएगा, क्योंकि वी लुकअप थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है सर। हेलो हेलो हेलो, बोलिए विक्की जी, सुन रहा हूँ सर। वो देखा था आपने जो मेल्स वाला मैंने आपको भेजा था, उससे भी नहीं जा पा रहा है सर, वो अटैचमेंट ऐड नहीं हो रहा है सर। मेरे में मैंने अपने सिस्टम में किया तो हो गया था, मैं उसको कर रहा हूँ तो वो उसको पिक नहीं कर रहा, जबकि मैंने अगर पहले में अगर उस अटैचमेंट का जो दूसरा वाला है वो लगता हूँ तो ऑफ हो जाता है, तो पांच में सच को चैलेंज नहीं आ रहा। ठीक है, कल अगर एक बार आप कल दोपहर में मैं लाइव आपके सिस्टम को एक्सेस करके चेक करूंगा सर। चलिए ठीक ठीक है ठीक है।